सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं उद्यानिकी विभाग ने बहुत सारे लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं उद्यानिकी विभाग ने किसान भाइयों के लिए। किसान भाई उन लक्ष्यों पर आवेदन कर बहुत सारी कृषि विभाग की जो योजनाएँ उनका लाभ ले सकते हैं। कृषि विभाग की बहुत सारी योजनाएँ के लिए लक्ष्य जारी कर दिए गए हैं, इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मोबाइल या क्रोम ब्राउज़र को आपको खोलना है, आपको एक ब्राउज़र खोल लेना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में आपको यहाँ पर लिखना है MPDBT लिख देना है सिंपली और सर्च कर देना है। दोस्तों आपको ये वेबसाइट नहीं मिलती है तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ सकते हो। आपको यहाँ पर पहली लिंक पर क्लिक कर आपको यहाँ पर क्या करना होगा, माइक्रो सिंचाई उद्यानिकी विभाग उपकरण एवं उद्यानिकी एवं खाद्य संस्करण विभाग पर आपको क्लिक करना है, पर आवेदन करने पर क्लिक करना है। इसे यहाँ पर आवेदन करने पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर महत्वपूर्ण सूचना, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन जारी यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। लक्ष्य संबंधित जानकारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर जैविक खेती वर्मी खाद इकाई की आप यदि लेना चाहते हो तो यहाँ पर 30/6/2021 को यहाँ पर 11 बजे आप आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर कितना लक्ष्य दिया गया है यहाँ पर आप क्लिक कर भी यहाँ पर देख सकते हो कि आपके ज़िले में कौन सा और कितना लक्ष्य यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ पर पूरी यहाँ पर पीस PDF फाइल में आप देख सकते हो, यदि आपका ज़िला यहाँ पर दिया गया है तो आप यहाँ पर इसमें आवेदन कर सकते हो। आवेदन दोस्तों यहाँ पर 30/6/2021 को 11 बजे यहाँ पर आवेदन चालू होंगे। यहाँ पर पुराने बगीचों का जीर्णोद्धार के लिए भी यहाँ पर आवेदन दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर फल क्षेत्र विस्तार के लिए भी आवेदन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे आम अनार नींबू अमरूद संतरा अंगूर अंजीर ड्रैगन फ्रूट फैशन फ्रूट करौंदा हनुमान फल बेल इमली जामुन कटहल केला स्ट्रॉबेरी। आप इन सभी के लिए आवेदन यदि आप करना चाहते हो, इन सभी फल विस्तार क्षेत्र के लिए आप आवेदन करना चाहते हो तो आपको वहाँ पर 1/7/2021 को आपको आवेदन करना होगा ठीक 11 बजे। आप इसकी जानकारी अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हो कि कौन कौन से ज़िले में कितने कितने लक्ष्य जारी किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों हम वापस उसी वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं संरक्षित खेती, जैसे संरक्षित खेती के लिए प्लास्टिक मल्चिंग का भी आवेदन यहाँ पर लक्ष्य जारी कर दिया गया है। हम यहाँ पर 30/6/2021 को ठीक 11 बजे यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक करें पर क्लिक करने कर आप यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन से ज़िले में कितना कितना लक्ष्य प्लास्टिक मल्चिंग के लिए भी दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर मशरूम किसे ही मशरूम के लिए खाद इकाई कवक निर्माण और मशरूम उत्पादन इकाई यदि आप लेना चाहते हो तो इसको भी आप यहाँ पर 30/6 को 11 बजे यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। यहाँ पर क्लिक कर अपना जितना भी यहाँ पर टारगेट दिया गया है वो टारगेट दे सकते हो अपने जिला के अनुसार। यहाँ पर मसाला विस्तार क्षेत्र जैसे मेथी धनिया मिर्च अदरक हल्दी यहाँ पर 1 तारीख से चालू होंगे ठीक 11 बजे और सब्जी विस्तार क्षेत्र और सभी सब्जियाँ उच्च घनत्व वाली 1/7/2021 को यहाँ पर आवेदन उपलब्ध होंगे ठीक 11 बजे। आप यहाँ पर क्लिक कर देख सकते हो कि आपके जो ज़िला है आपका जो ज़िले में भी आप निवास करते हो आपका जिले जिस ज़िले में आपकी खेती करते हो उस ज़िले में कौन सा लक्ष्य और कितना हेक्टेयर के लक्ष्य को आपके मतलब लक्ष्य दिया गया है हमें पर देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम वापस उसी वेबसाइट पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप पत्र की पूर्ण जानकारी के लिए क्लिक करें, इस पर आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको एक लेटर भी दिखाई देगा जिसमें आप यहाँ पर इसको पढ़ कर सकते हो कि कौन कौन से मतलब किस किस योजना का यहाँ पर आपको लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों आपको इसमें आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर 30/6/2021 का आपको इंतजार करना होगा ठीक 11 बजे का। दोस्तों आपको आवेदन नहीं करते आता है तो आपको किसी भी नज़दीकी कियोस्क पर जाना है, यहाँ पर आपको आवेदन ठीक 11 बजे आप कर सकते हो। ऑनलाइन इसको आवेदन होगा दोस्तों और यहाँ पर जैसे आवेदन कर दोगे तो आपको यहाँ पर सक्सेसफुली आपका जो भी जिस भी इकाई के लिए आपने आवेदन किया है उसको उस इकाई का आपको लाभ मिल जाएगा। इसमें आपको कोई लॉटरी सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट आपको लाभ मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का हम यहीं पर समापन करते हैं। और दोस्तों अभी अपने यदि मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे Instagram पर भी फॉलो कर दीजिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे Instagram पर भी पूछ सकते हो। चलिए दोस्तों इस वीडियो का हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।